दुनिया का सर्व सुविधा संपन्न देश समझे जाने वाला अमेरिका में अब कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 55,000 को पार कर गया है। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में अब 9,87,000 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 55,415 हो चुकी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक रविवार को 24 घंटे में अमेरिका में 1,330 लोगों की मौत हुई, जो बीते दिनों के मुकाबले काफी कम है। यहां 24 घंटे में 26,500 नए केस सामने आए हैं। उधर न्यूयॉर्क में बदहाली का दौर जारी है। यहां अब तक 22,000 से ज्यादा लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं, जबकि 3 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा है।